हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 4:45 शाम की चाय से। तो आज मैं चाय के साथ बना रही हूँ उत्पम। देखिए बात ऐसी है कि मेरी एक बड़ी बेटी वो थोड़ी सी कुछ नाराज है, तो मैं उसके लिए आज चाय में उत्पम बना रही हूँ। उत्पम के साथ उसको चाय दूँगी ताकि वो थोड़ी सी खुश हो जाए कि मुझे आज अच्छा सा नाश्ता मिला है चाय के साथ। तो मैंने यही डिसाइड किया था। तो आइए चलिए उत्पम बनाते हैं। आपको भी मैं दिखाऊंगी मेरे स्टाइल में मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है मैडम। चलिए उत्पम के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्याज। देखिए प्याज हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे, जैसे आपकी इच्छा है बारीक मोटा, लेकिन बारीक रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा, पकने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है मैडम। हमें 2 चाहिए टमाटर, ये भी हमें बारीक काटने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपकी जो मर्जी हो आप वो सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। प्याज को इसमें चॉप कर लूँगी, थोड़ी ज़्यादा मोटी नहीं रहनी चाहिए, हल्की हो जाएगी तो सही है, थोड़े बारीक ही सही लगेगी इसमें। देखिए ये प्रोसेसर जिसने भी बनाया है बड़ा अमेजिंग बनाया है, बहुत अच्छा काम करके देखा है। देखते हैं हो गया। देखिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है प्याज। टमाटर भी हमें इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लेने हैं ताकि ये तवे पे जब हम डालें तो ये थोड़ा गल जाए, कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड्स मेरे टमाटर थोड़े से गल के हैं तो इसलिए थोड़ा इस पिलपिले से हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसमें डाली है हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची हैं, और ये मैंने छोटा पहले कट कर लिया है, ये है लाल कलर की शिमला मिर्च, मेरे पास ये पड़ी हुई थी तो मैंने ये डाल दी। चलिए अब इसको भी हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। देखो ये मैंने एक गैस पे रख दी है चाय, मेरी चाय भी तैयार होने वाली है। मैंने दूध डाल दिया है इसमें और एक तरफ रख दिया है मैंने नॉनस्टिक पैन, इस पर बनाते हैं हम अपना उत्पम। गैस को बंद कर देते हैं। मेरे पास थोड़ी सी पत्ता गोभी भी थी फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा मैं इसको भी थोड़ा सा डाल दूँ, अच्छी लगेगी। देखिए कितनी बारीक है। ये है करी पत्ता, इसको ही मैं इसमें बारीक बारीक काट लूँगी फ्रेंड्स। करी पत्ते के मेरे घर में 5-6 पेड़ लगे हुए हैं, मतलब पौधे ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन 5-6 गमलों में लगे हुए हैं। देख ग्रीन भी ज़रूरी है ना फ्रेंड, कोई भी चीज़ बनाएं आप उसमें हरे रंग का कुछ भी डालें तो कलर ही डिफरेंट हो जाता है। ये है मेरा उत्पम का बैटर, देखिए इसमें है चावल और उड़द की दाल, दोनों को मिक्स करके मैंने ये बैटर बनाया है और अपनी ही घर की आटा चक्की से इसको पीस लिया है, मिक्सी में नहीं पीसा है मैंने, पहले इसको पीस के रख दिया है फिर बाद में घोल दिया है। इसमें डाला है मैंने थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए बस, और इसलिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने बैटर को इस पर फैला लिया है, अब इसमें हम थोड़ी सी डाल देंगे जो हमने प्याज काटी थी, हरी मिर्च, कैप्सिकम, टमाटर, ये है हमारी थोड़ी सी पत्ता गोभी,
देखिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा की तरह लग रहा है बिल्कुल। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये जो हमारा बैटर है थोड़ा सा अंदर से सिक जाए, पक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमारा ये नीचे से हो चुका है। इसको हम पलट देंगे, इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे ताकि ये हमारा इस तरफ से चिपके ना। थोड़ा सा डार्क हो गया फ्रेंड, कोई बात नहीं, अब इधर से थोड़ा सा सिकने देते हैं हम। थोड़ी हमारी वेजीज है वो थोड़ी सिक जाएगी, पक जाएंगी। हमारी चाय में भी उबाल आ गया है, अब हम इसको छान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई है हमारी चाय। हमारा उत्पम हो गया रेडी। चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें डाल देते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही फ्रेंड्स। इसमें डाल देते हैं चाय। और चलते हैं बिटिया के पास लेके। आ जाइए, प्यारी बिटिया चाय नाश्ता लीजिए। थैंक यू। उत्तम बनाया है, वाओ, मेरा फेवरेट। देखिए फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया था ये, जिसमें मैंने वेजेस नहीं डाली थी। मेरी वेजी ख़त्म हो गई तो मैंने अब ये डोसा बनाया, प्लेन डोसा। जो हमारा उत्पम का बैटर होता है उसी से हमारा डोसा भी बन जाता है फ्रेंड्स। सेम चीज़ है, आप कुछ भी बना सकते हो। इससे आप इडली भी बना सकते हो। इडली, उत्पम, डोसा सबका एक ही सेम मतलब बैटर रहता है, कोई डिफरेंट नहीं होता। थोड़ी सी ऑयलिंग कर देंगे, और ये बड़े आराम से छूट जाता है। देखिए पॉलिस्टिक का पैन है, देख रहे हो, अभी हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने देंगे। थोड़ा सा बैटर बचा है, मैं इसके सभी डोसे बना लूँगी। आज का ये हमारा हेल्दी नाश्ता। देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता हो चुका है और अब मैं बैठी हूँ फ्री। थोड़ा सा सोचा कि आपसे बातें कर लूँ, और अब मैं डिनर में बनाऊँगी दाल चावल, सिंपल साधारण दाल चावल। और देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैं कपड़ा लेकर आई थी, देखिए आपको अच्छा लग रहा है। मैं इसमें से ड्रेस बनाऊँगी, मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है। मैं इसमें से थोड़े टॉप बनाऊँगी, थोड़ा अपना ड्रेस बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। आप बताना कैसा लग रहा है, या आपको कभी
स्टिचिंग के लिए चाहिए या फिर ऑर्डर पे बनवाना हो तो आप मुझे दे सकते हैं, या सिला हुआ भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो अब मैं वीडियो का करने जा रही हूँ एंड। देखिए फ्रेंड्स, अब बज गए हैं 9। अब मैं जाके डिनर बनाती हूँ अपना, और आप सबको शुभ रात्रि, बाय।